ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। पूरी क्वेश्चन कह रही है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अपन दिता है ए और बी दो सेट्स ने, ते सेट की एक प्रॉपर्टी होंगी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए एक सबसेट होंगे ए दा। एदा मतलब होया कि ए जेड़ा है बे ए इंटरसेक्शन बी ए तत्व ए विच मौजूद होंगे ने। ते जदो अपा एनु लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ते अपा वेख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की ए एक सबसेट ए दा, मतलब जेड़े तत्व मौजूद होंगे ए ए इंटरसेक्शन बी वो ए विच भी मौजूद होंगे। ते यूनियन दा मतलब होंदा है कि जेड़े तत्त दोनों सेट विच मौजूद हों, वो सारे सेट तत्त नू असी उदे यूनियन लिखने हैं। ते ए जेड़ा है ए ते सबसेट ए दा, ते जदो उदा यूनियन होएगा वो ए ही होएगा, क्योंकि सेट विच रेपिटेशन नहीं होंदी, असी दो वारी ए नू नहीं लिख सकने हैं, इसलिए अपा इको वारी ए नू लिखांगे और असी कह सकने हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जेड़ा है वो ए दे बराबर होएगा। असी एनु ए एक नंबर मान लेंगे। धन्यवाद।